ना पूरी ना पराठा आज मैं आप लोगों से एक नई ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करूंगी जो बनाने में काफ़ी आसान होगी और यहाँ पे वन टीस्पून मैंने ले लिया है चीनी वन टीस्पून नमक और वन टीस्पून ही हम लोग ले लेंगे रिफाइंड ऑयल एक कप चाय के कप से हमने ले लिया है यहाँ पर गेहूं का आटा और सभी को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद नॉर्मल पानी से इसे सान करके हम लोग एक डो बना लेंगे डो ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए अब इसे पाँच मिनट के लिए ढक के हम लोग अलग रख देंगे एक ये आयरन का तवा है मतलब कि लोहे का नॉर्मल तवा है जिसपे वन टी स्पून मैंने तेल फैला दिया है और उसे हम लोग गर्म होने के लिए छोड़ देंगे जब तक गर्म हो रहा है तब तक तो एक आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया ये कच्चा आलू है और कद्दूकस करके हम लोग इसे धो लेंगे धो करके इसका जो एक्स्ट्रा पानी था उसे निचोड़ के हमने अलग कर लिया है अब यहाँ पर तवे पर हम लोग वन चिटकी नमक डालेंगे और नमक डाल करके अच्छी तरीके से उसे मिक्स मतलब कि फैला लेंगे जिससे कि हमारा तवा जो है नॉनस्टिक हो गया है और उस पर आलू जो हमने कद्दूकस करके रखे थे वो डालेंगे और डाल करके हम लोग इसे मीडियम फ्लेम में भूनेंगे आलू बहुत अच्छी तरीके से क्रिस्प हो चुका है और पक भी चुका है अब इसे ठंडा होने के लिए हम लोग छोड़ देंगे यहाँ पर देखिए ये घर का ही छेना है जो मैंने सुबह काटा है इसे अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे और इसमें एक चॉप्ड प्याज डालेंगे थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डाल देंगे और ये जो आलू हमने भून के रखा था वो भी यहाँ पे डाल देंगे और सभी को हम लोग मिक्स करेंगे थोड़ा सा हम लोग डालेंगे औरगैनो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स डाला है बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस तरीके का एक मिक्सचर और वन टेबल स्पून हम लोग टोमेटो कैचअप डाल देंगे आपके पास यदि कोई वेजिटेबल्स हो तो डाल सकते हैं फिलहाल मेरे पास कोई वेजिटेबल्स नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं डाला है आप चाहे तो सिर्फ आलू से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं और मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है पाँच मिनट हो चुके हैं और देखिए डो को हम लोग फिर से एक बार नीट कर लेंगे अब एक नींबू के आकार का हम लोग बॉल लेंगे और उसे हम लोग रोटी के शेप में बेलेंगे ना ज्यादा मोटा बेलना है और ना ही ज्यादा पतला जिस तरीके से हम लोग रोटी बनाते हैं उसी तरीके से हम लोग इसे बेलेंगे थिकनेस आप देख पा रहे हैं बहुत ही पतला मैंने बेला है अब इस पर वन टेबल स्पून जो मिक्सचर हमने बना के रखा था वो हम लोग इसे लंबाई में फैला लेंगे और इसे रोल करेंगे बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे नॉर्मल पराठा वगैरह नहीं खाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बच्चों को खिला सकते हैं ये काफ़ी हेल्दी भी है और घर में यदि गेस्ट आ जाते हैं तो आप पराठा तो नहीं खिला सकते नाश्ते में तो इस तरीके का एक रेसिपी आप नाश्ते में चाय के साथ सर्व कर सकते हैं ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बनाने में भी काफ़ी आसान है देखिए सारे हमने बना के इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं अब तवा तो हमारा गर्म ही था उस पर हमने बिना तेल का इसे डाल दिया है सभी को और डाल करके मीडियम फ्लेम में हम लोग इसे उलट पुलट करके पकाएंगे अभी तक हमने तेल नहीं डाला है अब हम लोग तेल यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे हम लोग मक्खन अप्लाई करेंगे क्योंकि ये हमने पनीर से बनाया है तो ये काफ़ी हेल्दी भी होता है और पनीर का जो भी रेसिपी बनता है वो बटर के साथ काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है तो हमने तेल यूज़ नहीं किया है बटर के साथ ही हमने इसे फ्राई किया है आप लोग चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन मैं काफ़ी हेल्दी बना रही हूँ इसलिए मैंने इसे सैलो फ्राई ही किया है तो दोस्तों रेसिपी अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय